सोमवार की रात चैनपुर थाना क्षेत्र के जनावल एवं नवा टोली गांव के बीच अज्ञात अपराधियों द्वारा उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के पूर्व सक्रिय सदस्य अशोक लकड़ा उर्फ अमरजीत के पत्नी व बेटी की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने आज अपने कार्यालय कक्ष में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीती रात अमरजीत मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने परिवार सहित गांव जा रहा था। इसी बीच अज्ञात अपराधियों ने नवा टोली व जनावल गांव के बीच अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके कारण उसकी पत्नी एवं उसकी बेटी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। इस गोलीबारी में अमरजीत घायल हो गया था, लेकिन वह किसी तरह भागने में कामयाब हो गया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।